दूसरा जो मुकाबला है वो है दिल्ली का मुकाबला, जो कि खेलेंगे पंजाब के खिलाफ मैच नंबर 11, और ये मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में होगा। वीरू भाई, पंजाब का जो पिछले मुकाबले में देखने को मिला कोलैप्स बोल सकते हैं इन अ सेंस, टीम में आप कुछ बदलाव देखना चाहेंगे या आपको लगता है यही एक 11 चलनी चाहिए? नहीं, मुझे लगता नहीं, बट अच्छा है कोलैप्स हो गया पहले ही, अगर स्टार्टिंग में कोलैप्स होता तो अच्छा है, क्योंकि अब बाद में सब लोग संभल के खेलेंगे। वार्निंग होती है, वो मिलेगी, जनरली पंजाब को वार्निंग मिलती है 5-6 मैच जीतने के बाद या 5-6 मैच हारने के बाद, तो ये शायद स्टार्टिंग में मिल गई है वार्निंग, तो अच्छा है। जैसा पहला मैच खेले थे मुझे लगा था कि भाई इस बार लग रहा है कि पंजाब का दिन है, तो जैसा पहला मैच खेले थे वैसा ही खेलना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं कि कोई चेंजेस की ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि कोई फोर्स चेंज हो, कोई इंजर्ड हो गया हो। आई थिंक अजय भाई, ऑल्सो द वन टेक अवे ये होगा कि जो केएल राहुल का जो विकेट का यू नो द वैल्यू, केएल वैल्यू के राहुल की, अगर वो जल्दी चले जाते हैं तो फिर ये हो सकता है। बिल्कुल, कल रन आउट ना होना भाई, क्योंकि पिछली बार तो आप ट्रक के नीचे आ गए। गेल साहब के साथ जब खेलते हैं तो कोई स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है, आप दूसरे एंड पे बल्ला लगाइए और उनको देखिए क्या करेंगे, वो बताएंगे भागने में, क्योंकि सर देखिए ये कोई बच्चा हो ना तो समझ आती है, 15 साल से जो IPL देख रहा है वो भी आपको बता देगा कि भाई गेल जब खेल रहा है तो भागने का काम नहीं है, गेल ने जो करना है वो करेगा, उसके साथ कोई स्ट्रेटजी नहीं है वो, उसमें अगर आप रन आउट हो जाएंगे जो इस यू नो तंबू का बंबू है केएल राहुल तो इस टीम का, तो फिर आप दूसरी टीम को मौका देते हैं, और उस भी विकेट पे जहां पे थोड़ी सीम हो रही है, विकेट गिर रही है, तो वो संभालिएगा, बाकी आउट तो कभी भी कोई हो सकता है। और अजय भाई, दिल्ली की टीम पर एक नजर डाल लेते हैं, मैं आपको एक बारी पूरी स्क्वाड से वाकिफ करा देता हूं, क्योंकि अभी क्या है यहाँ पे, ऋषभ पंत जबरदस्त फॉर्म में लग रहे हैं, कप्तान है इस टीम के, पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे हैं, शिखर धवन है, अजिंक्य रहाणे का फॉर्म कुछ ठीक नहीं चल रहा है दो मुकाबलों में, मार्कस स्टॉइनिस, टॉम करन है, कगिसो रबाडा आ गए हैं, क्रिस वोक्स भी हैं, और सैम बिलिंग्स और शिमरन हिटमायर भी हैं, और स्टीवन स्मिथ साहब भी हैं, हालांकि आई डोंट थिंक स्मिथ इज अवेलेबल राइट नाउ, लेकिन हिटमायर अभी भी है। अजय भाई, जगह बनती है क्या हिटमायर की स्क्वाड में आपके हिसाब से? देखिए, जब आप तीन पृथ्वी शॉ, शिखर धवन और अजिंक्य रहाणे को खिला रहे हैं, वहां से शुरू होता है ना काम, क्योंकि वो तीनों खेलेंगे तो मैं तो अगर खेलना है तो फिर अजिंक्य रहाणे को ओपन ही कराऊं उनसे, यू नो, क्योंकि नहीं तो फिर सब गेयर की बात है, जैसे शुभम गिल की बात की मैंने, अब तो आपको सॉलिडिटी अगर चाहिए और खिला रहे हैं आप 11 में, और जैसी विकेट है आपने देखा है 2 दिन से क्या हो रहा है मुंबई में, सीम हो रही है, तो वहां अजिंक्य रहाणे बेहतर है, तो शायद आप वो कर सकते हैं। हिटमायर को लाएंगे तो फिर वही होगा ना जैसे पिछले मैच में हुआ, आपको बॉलर इंडियन लाना पड़ेगा, बैट्समैन फॉरेनर हटाएंगे, उसमें बहुत ज्यादा खलबली हो जाती है, तो अब आप इसके साथ गए हैं सॉलिडिटी के लिए, आपने रखा है अजिंक्य रहाणे को, तो फिर आप टॉप में सॉलिडिटी ज्यादा जरूरी है, पता नहीं, मैं अलग सोचता हूँ, इंडियन क्रिकेट अलग सोचती है इस वक्त। सर, हम आपके साथ हैं, ये बात सही पक्की है। वीरू भाई, आखिरी सवाल, फॉर दैट लास्ट मच्छर, जस्ट सिंपल, क्योंकि दिल्ली का आखिरी मैच है ये वानखेड़े में, आपके हिसाब से दोनों मुकाबलों में अगर आप टीम को देखें, दिल्ली को देखें या पंजाब को देखें, एज किस टीम के पास है? मुझे लगता है कि यार दिल्ली के पास, क्योंकि दिल्ली की बॉलिंग बेहतर है पंजाब से, तो वो क्योंकि वानखेड़े पे शायद वो ही एक मैटर करता है कि अगर आपकी बॉलिंग थोड़ी स्ट्रांग हो ना, तो अगर विकेट अच्छा हुआ तो 200 तो दोनों टीमें बनाएंगी, तो लेकिन जो बॉलिंग बेहतर करेगी ना तो वो डिफेंड करना भी जानती है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी बॉलिंग बेहतर, अब तो शायद नोकिया भी आ गए हैं वापस, तो हो सकता है कि रबाड़ा और नोकिया एक साथ फिर गेंदबाजी करते हुए नजर आएं।